Hello and welcome guys, welcome to the day 2 of the RRB clerk mains 1000 MCQ. आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में and a very warm welcome everyone in this particular session. एक बार जरा फटाफट कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. And let's start with our question number 1. उससे पहले guys, RBI grade B का super batch मेरा आ चुका है. अभी तक अगर आपने इसको purchase नहीं किया, कर लो. ये कल से आपका start हो चुका है. And I want everyone to be a part of it. And फटाफट इसको join कर लें. इसका fees का fee सिर्फ आपका 699 है. और वो fee को use करके आप इस batch को avail कर सकते हो. इसके बाद मैं phase 2 का batch भी लाऊंगा. तो phase 1, phase 2 का batch आपका आ जाएगा. तो जल्दी से इसको avail करें. ये available आपका RBI grade B का जो है वो अवेलेबल है हमारे दोस्तों हमारे एग्जाम सेंट्री की ऐप पे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. विच मैगजीन्स 125th बर्थ एनिवर्सरी हैज़ बीन एड्रेस्ड एंड सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 31 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. वेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2 दैट इज इट्स प्रबुदा भारत. उनकी जो 125वीं एनिवर्सरी है उसको जनवरी 31 जो है उसको आपका दोस्तों जो है वो आपका स्टार्ट किया गया. दैट इज एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा. विच स्टेट हैज स्टॉप द जस्टिस डिलीवरी इन इंडिया 2020 अकॉर्डिंग टू द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. वेल इस रिपोर्ट को आपका जो टॉप किया है उसका नाम है आपका ऑप्शन 5 दैट इज महाराष्ट्र. अगर हम बाकी ऑप्शंस की यहाँ पर आपके सामने बात करें, वी टॉक अबाउट द रिमेनिंग ऑप्शंस, तो इनमें से हरियाणा आपका न्यूज़ में है बिकॉज हरियाणा में एरियल सीडिंग हुई है अरावलीज में. आपका गुजरात जो है ये आपका न्यूज़ में है, गुजरात न्यूज़ में है बिकॉज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में ये इंडिया का आपका नंबर 1 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस. वेस्ट बंगाल आपका न्यूज़ में है बिकॉज यहाँ पर महानंदा बर्ड सेंचुरी में वेस्ट बंगाल का जो पहला आपका बर्ड फेयर है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है. और असम में असम का पहला हेलीपोर्ट आपका सेटअप हुआ है और ये हेलीपोर्ट जो है ये आपका सेटअप हुआ है इन द सिटी ऑफ इन द रिवर आइलैंड ऑफ माजुली. इस वजह से आपका जो असम है ये न्यूज़ में आपका बना हुआ है. ठीक है, याद रहेगा सबको. मेरी आवाज़ सबको आ रही है, एक बार ज़रा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से. चलिए आगे बढ़ते हैं. इनमें से वो कौन सा शहर है जहाँ पर यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी आपका लॉन्च हुआ है. मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर आपका कोलकाता. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये आपका लॉन्च हुआ है इन कोलकाता. यहाँ पर मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है. यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे है, इनमें से कहाँ पर आपका काला घोड़ा फेस्टिवल शुरू हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस सिटी में आपका 5G ट्रायल आपका स्टार्ट हुआ है, एयरटेल ने किया है. इनमें से किस सिटी में आपका एरो इंडिया जो है एग्जीबिशन उसका स्टार्ट हुआ है. तो पहले का दोस्तों जो आंसर है, द फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज आपका मुंबई. सेकंड का जो आंसर है दैट इज 5G ट्रायल का, द आंसर इज हैदराबाद. एंड एरो इंडिया आपका बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है. गाइज फटाफट वीडियो को शेयर करो, हमें अब मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है. जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो. चलिए आगे बढ़ते हैं. इनमें से वो कौन सा शहर है जहां पर 5th जॉइंट मीटिंग आपकी इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम की हुई. शंघाई, मुंबई, न्यू दिल्ली, टोक्यो या फिर आपका नगोया. कौन सा वो आपका शहर है जहां पर 5वीं जॉइंट मीटिंग आपकी इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम की हुई. तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 3 दैट इज आपका न्यू दिल्ली. यहां पर मेरा आपसे पहला सवाल बनेगा, इनमें से वो कौन सा सिटी है जहां पर इंडिया का पहला मेट्रो डिपो जो मेड इन इंडिया है उसको लॉन्च किया गया है. क्वेश्चन 1. और इनमें से आपका 2021 में ओलंपिक्स कहां पर होने वाले हैं. तो पहले का जो आंसर है, जो मेड इन इंडिया डिपो जो है वो आपका दोस्तों मुंबई में आपका बना है, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उसको बनाया है. और टोक्यो में इस बार का ओलंपिक्स जो है वो आपका होने वाला है. मार्टियर्स डे और शहीद दिवस इनमें से किस तारीख को आपका सेलिब्रेट होता है. एंड द आंसर इज इट्स ऑप्शन 4 दैट इज आपका 30 जनवरी. 30 जनवरी को हम इसको दोस्तों जो हैं वो आपका सेलिब्रेट करते हैं. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. अच्छा ये सवाल पहले के ही आ गए, जस्ट गिव मी वन सेकेंड. जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस.
हाँ, ये सवाल पहले के ही आ गए हैं। ओके ठीक जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस, फटाफट ज़रा वीडियो को शेयर करते रहो। मैं एक बार ज़रा आपको क्वेश्चंस भेज देता हूँ ताकि उन क्वेश्चंस को आप देख सको। ठीक है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। क्वेश्चन पुराने हैं। जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, तब तक आई, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पुराने हैं पूरे, क्वेश्चंस नए मेल पे नहीं है। क्वेश्चन पीपीटी पीपीटी में ना ऑनलाइन बच भैया तो है, आपने किया क्यों नहीं है? जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस, पीपीटी आपने गलत लगाई है, पीपीटी गलत लगाई, मेल दूसरी पीपीटी है। नहीं वो नहीं भेजी, वो कल की है उसमें अपडेट। सर फिर से दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस, डेट तो ही है ना आज। उस पर तो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस, फटाफट एक सेकेंड रुकिएगा। तब तक गाइस फटाफट जरा शेयर करते रहिएगा वीडियो को। चलिए जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, फटाफट वीडियो शेयर करते रहिए जल्दी से। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक गाइस फटाफट जरा वीडियो को शेयर करते रहिए एवरीवन। ओके ओके हाँ चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन नेवी फॉर द इनिशियल सप्लाई ऑफ 20 इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर्स। इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने इंडियन नेवी के साथ 20 स्वदेशी रूप से विकसित लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर्स, लेजर डैजलर्स की प्रारंभिक आपूर्ति की है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी आपूर्ति दोस्तों जो है वो हाल ही में आपका किया गया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज बीएल, जिसका आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर मेरा आपसे सवाल है कि ये जो आपके लेजर डैजलर्स है ना, ये लेजर डैजलर्स जो आपके हैं, इनका इनका जो एक लेजर डैजलर्स का जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को आपका डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसने कि इस टेक्नोलॉजी को आपका हाल ही में दोस्तों जो है वो आपका डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी के हिसाब से कितना रेवेन्यू कलेक्शन आपका हुआ है दिसंबर में? तो अगर हम बात करें तो दिसंबर में जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आपका 1.15 लाख करोड़ जो अमाउंट है, इतना कलेक्शन आपका दिसंबर में जो दोस्तों है वो आपका हुआ है, ये दिसंबर में हुआ है। और अगर हम बात करें जनवरी का, तो जनवरी का आपका 2 लाख करोड़ के ऊपर क्रॉस कर गया है। इनमें से उड़ीसा के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनमें से दोस्तों कौन बनाए गए हैं? तो इनमें से उड़ीसा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है आपका एस मुरलीधर। सिमिलरली हिमा कोहली जो हैं वो तेलंगाना की हैं, ये चीफ जस्टिस हैं। सिमिलरली पंकज मिट्टल जो हैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए चीफ जस्टिस हैं, और के जी बालकृष्णन ये फॉर्मर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका रिटायरमेंट अभी हाल ही में आपका दोस्तों हुआ है। गाइस 411 पीपल आर वॉचिंग और लाइक सिर्फ आपके 48 हैं, ज़रा फटाफट लाइक को बढ़ाओ और फटाफट ज़रा वीडियो को शेयर करो एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, हिमा कोहली, जैसे सवाल मैंने पूछा था आपसे, हिमा कोहली जो हैं वो इनमें से किस स्टेट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज आपका तेलंगाना। तेलंगाना की आपको जो आपकी जो चीफ जस्टिस हैं
उनका नाम है आपका मिस हिमा कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज टेकन ओवर द चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एंड द सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। इनमें से कौन जो हमारा रेलवे बोर्ड है उसकी नए चेयरमैन और सीईओ हैं, वीके यादव, नवीन अग्रवाल, ए के सीकरी, सुनीत शर्मा या फिर आपका प्रफुल्ल पटेल? तो इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर इज इट्स ऑप्शन डी, दैट इज सुनीत शर्मा। एक सवाल मेरा आपसे कमेंट सेक्शन में, सुनीत शर्मा ने इनमें से किनको रिप्लेस किया है, whom has he replaced in that particular railway board? तो उसका आंसर है वी के यादव, इससे पहले आपके चेयरपर्सन थे और अब आपके सुनीत शर्मा जो हैं वो आपके दोस्तों चेयरपर्सन बनाए गए हैं। तो जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी अगर हम नवीन अग्रवाल की बात करें तो ये आपके इस समय चेयरमैन है वेदांता के, इसका नाम भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, वो आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही है। Name the chairman of ISRO who has been given an extension of 1 year till January 2022. इनमें से आपके वो कौन चेयरमैन है ISRO के जिन्हें एक साल का एक्सटेंशन आपका दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इट इज कैलाश विदु सिवन, ये इनका नाम है और इनको एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ आपका ISRO, बिल्कुल सही। Who is the present chairperson of the International Financial Services Center? इनमें से कौन आपके IFSC के दोस्तों आपके चेयरमैन हैं, मनोज आहूजा, इंजेती श्रीनिवास, नीरज व्यास, वी विद्यावती या फिर आपके सुरेश एन पटेल? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज इंजेती श्रीनिवास। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरपर्सन हैं आपके मनोज आहूजा। नीरज व्यास जी की बात करें तो नीरज व्यास जी आपके इंडिपेंडेंट आपके डायरेक्टर हैं ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। और अगर हम वी विद्यावती की बात करें तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी ये डायरेक्टर जनरल हैं और ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं आपकी ASI की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छाऊ या मयूरभंज छाऊ आपका इनमें से किस स्टेट का एक पॉपुलर फोक डांस का फॉर्म है, तेलंगाना का, असम का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का या फिर आपके उड़ीसा का? मयूरभंज छाऊ या छाऊ इनमें से किस स्टेट का एक पॉपुलर फोक डांस का फॉर्म है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज उड़ीसा। सिमिलरली अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें तो तेलंगाना में आप कह सकते हो कुचिपुड़ी कह सकते हो, यहाँ का है। अगर हम असम की बात करें तो बिहू आपने सुना ही होगा, बिहू यहाँ का डांस फॉर्म है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका रऊफ यहाँ पर एक फोक डांस है और बांड पाथर ये भी यहाँ का एक आपका फोक डांस का एक फेमस फॉर्म आपका आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसने एक क्रॉप रिलीफ स्कीम जो है वो उसको लॉन्च किया है, किसान फसल राहत योजना की? तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, द आंसर इज इट्स ऑप्शन बी, दैट इज आपका झारखंड। झारखंड इसका बिल्कुल जो है वो सही जवाब है। झारखंड के अंदर किसान फसल राहत बीमा योजना जो है उसको लॉन्च किया है। अब मेरे कुछ सवाल हैं, सवाल से पहले जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इन द मीन टाइम जरा फटाफट वीडियो को शेयर कीजिएगा टेलीग्राम पे, 420 लोग देख रहे हैं, हमें आज 1000 क्रॉस करना है और आपके सपोर्ट के बिना हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट सब लोग कमेंट करिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, और जरा फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरा यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपसे, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो जुडिशरी रैंकिंग में नंबर 1 है? आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताओ। आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा ध्यान से, इनमें से इनोवेशन इंडेक्स में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? उसका आंसर है आपका कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 2 और नेट चला गया इसी के साथ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से आपका वो कौन सा स्टेट है जो आपका इनोवेशन इंडेक्स में सेकेंड रैंक पे है? देखो फर्स्ट तो आपने बता दिया, फर्स्ट तो आपका कर्नाटका है, सेकेंड रॉन्ग रैंक पे इनमें से आपका कौन सा स्टेट है? तो उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज आपका बिल्कुल सही, दैट इज आपका ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर गुरु घासीदास का नेशनल पार्क है जो एक टाइगर रिजर्व है? उसका आंसर क्या है, उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज आपका ऑप्शन डी, दैट इज आपका छत्तीसगढ़। क्या बात है गाइज, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में एक अपना नेशनल एंथम का एक वर्ड जो है उसको दोस्तों आपका चेंज किया है? इटली ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, स्पेन ने या फिर आपके USA ने? कौन सा वो कंट्री है जिसने हाल ही में एक वर्ड जो है नेशनल एंथम में उसको चेंज किया है? इज इट इटली,
Is it France? Is it Spain? Is it Australia? Or is it the US? Well, the answer is it's option C. That is आपका Australia. अब जरा कुछ सवाल आपसे पूछूंगा. सवाल पहला पूछूंगा, इंडिया ने इनमें से किसके साथ युद्ध अभ्यास किया है? युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का नाम है. आंसर है आपका USA. इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने डेजर्ट नाइट किया है? उसका आंसर है आपका फ्रांस. क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से वो आपका कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने अभी हाल ही में इंडिया ने हाल ही में आपका मिलान किया है, मिलान मालाबार किया है? तो उसका आंसर है आपका USA के साथ भी किया है और आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ भी दोस्तों यहां पर जो है वो आपका किया है. आगे बढ़ते हैं. PM Modi has laid the foundation stone of the Lighthouse Projects LHP. LHP has been conceptualized by which of the following ministry? इनमें से किस मंत्रालय ने इसको conceptualize किया था? तो इसका answer जो आपके सामने है, the answer is, it is Housing and Urban Affairs. उस मंत्रालय ने इसको conceptualize जो है, वो दोस्तों आपका किया था. तो इसका answer जो है, that is option D. आगे बढ़ते हैं. इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $231 million का लोन आपका प्रोवाइड किया है फॉर एनहांसिंग द कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन इन असम? इज इट वर्ल्ड बैंक? इज इट ADB? इज इट IMF? इज इट AIIB? और इज इट NDB? किसने दोस्तों ये आपका लोन प्रोवाइड किया? ये लोन प्रोवाइड किया है आपके दोस्तों ADB ने. मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन से पहले मैं चाहूंगा यार, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट लाइक करो. 100 को क्रॉस करना लाइक्स को, फटाफट एवरीवन जल्दी से. एंड अब सवाल का आंसर दो. सवाल मेरा आपसे है कि इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको 11.5% बोला है? कितना बोला है? 11.5% बोला है. तो उसका आंसर जो आपके सामने है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. आगे बढ़ते हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में साइन किया है एक $10 million प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग सपोर्ट, जो कि हॉर्टिकल्चर को इनमें से किस स्टेट में आपका सपोर्ट करेगा? तो इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर इज इट्स ऑप्शन डी, आपका हिमाचल प्रदेश वो स्टेट है जिसको आपका ADB जो है वो $10 million का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फॉर हॉर्टिकल्चर. बिल्कुल सही आंसर है आपका. इनमें से गाइज आपका वो कौन सा स्टेट है जहां पर गुची, GUCCHI, गुची जो एक मशरूम है उसका टाइप है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. स्किल अप क्लासेस एब्सोल्युटली ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट है फॉर IPS क्लर्क मींस एज वेल, दोनों के लिए, RRB के लिए भी है और IPS के लिए भी है. इनमें से भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है जिनका हाल ही में 2 कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है उसको दोस्तों अप्रूवल मिला है? रीता टेवटिया, अरुण सिंघल, वीजी सोमोनी, अजय त्यागी या फिर आपका प्रमोद कुमार तिवारी? इनमें से कौन आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जिनके नाम 2 अप्रूवल मिला है, एक कोविशील्ड का और दूसरा आपका कोवैक्सीन का? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इट इज वीजी सोमानी. उनको ये सम्मान दोस्तों जो है वो आपका यहां पर फिलहाल दिया गया है. आगे बढ़ते हैं. इनमें से आपके वो कौन सा देश का नेवी है जिसकी इंडियन सबमरीन है INS सिंधुवीर, इसको इंडक्ट किया गया हाल ही में? रशिया, म्यांमार, जापान, UK या फिर आपका श्रीलंका? तो INS सिंधुवीर जो है उसको, इंडियन सबमरीन को म्यांमार की आर्मी ने अभी हाल ही में इंडक्ट किया है. आपका म्यांमार दोस्तों न्यूज़ में है, म्यांमार इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज म्यांमार में जो वहाँ की मिलिट्री है उसने कू किया है, उसने वहाँ की पार्टी को अपदस्त कर दिया, एक तो रीज़न ये है. सेकंड आपका इनमें से जापान न्यूज़ में है बिकॉज जापान, जैसे मैंने कल भी बताया था, वुडन सैटेलाइट आपका दोस्तों जो है वो लॉन्च किया है. एक मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इंडिया ने पद्म विभूषण, जो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट ऑनर है, वो आपका प्रोवाइड किया है? तो उनका नाम है आपका शिंजो अबे और वो आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Who has been appointed as the Deputy Election Commissioner of the Election Commission of India? इनमें से कौन दोस्तों बने हैं आपके Deputy Election Commissioner, Election Commission of India के? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज उमेश सिन्हा.
क्वेश्चन नंबर टू, इनमें से वो कौन से आपके इनमें से कौन से आपके वो व्यक्ति हैं जो बने हैं आप जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं? आंसर है आपका ऑप्शन डी, सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे, इनमें से सॉरी, व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व? किस दिन किस तारीख को हम नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं? तो उसका आंसर है आपका 25th of January को, और 25th of January को हम उसी दिन के साथ नेशनल टूरिज्म डे भी आपका ऑब्जर्व करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल SBI PO में आया था। इनमें से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन किन्हें बनाया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, पतंजलि झा, सोमा मोंडाल, मनोज आहूजा, मुरली रामकृष्णन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इट इज सोमा मोंडाल। इनको बनाया गया है चेयरपर्सन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फैमिली डे हर साल इनमें से किस दिन आपका सेलिब्रेट होता है? तो ये आपका हर साल 1st of January को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। 1st January को मेरा सवाल आपसे है, किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का आपका फाउंडेशन डे है? सवाल 2 marks का है, बिकॉज सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रा फटाफट बताइएगा कौन सा वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फाउंडेशन डे आपका 1st January को ऑब्जर्व होता है? तो उसका आंसर है बिल्कुल सही, दी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ आपका DRDO। वेल डन गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी के प्रेजेंट चेयरमैन आपके इनमें से कौन है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, अजय त्यागी। सेबी को कौन से कमोडिटी के एक्सचेंज का रेगुलेटर बजट के अंदर घोषित किया गया है? ऑफ विच कमोडिटीज रेगुलेटर हैज सेबी बीन एडजस्ट, इज इट क्या है उसका आंसर? फटाफट लिखिएगा। उसका आंसर है आपका गोल्ड। गोल्ड का रेगुलेटर जो है वो सेबी को आपका दोस्तों बनाया गया है। गाइज मैं रिपीट फिर से करूंगा आपके लिए, फटाफट अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो आपका पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से आपके नेता हैं जिन्होंने नेशनल पुलिस K9 जर्नल जो है उसको हाल ही में जारी किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या फिर आपका निर्मला सीतारमन? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बी, दैट इज अमित शाह। उन्होंने इस जर्नल को लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो K9 बटालियन है ये डॉग्स की आपकी बटालियन है, और ये इसीलिए खास भी आपकी बटालियन आपके सामने है। एकता जी बिल्कुल IB में आपके बजट से क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा ADB द्वारा जिसको कि अपग्रेड किया जिसके द्वारा जो बेंगलुरु का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाएगा? तो इसका आंसर है आपका गाइज, वही तो कह रहा हूँ 100 likes ही हैं सिर्फ, 480 लोग देख रहे हैं, ओनली 100 likes। सचिन भाई शेयर करो जरा वीडियो पे, बताओ लोगों को टेलीग्राम पे कि 500 क्लास में सिर्फ 100 likes हैं, फटाफट दबा के शेयर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मच, हाँ इसका आंसर है आपका $100 million। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल कंपनी हैज टाइड अप विद कर्नाटका बैंक फॉर व्हीकल फाइनेंस? इनमें से आपका वो कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने आपका टाइप किया है फॉर व्हीकल फाइनेंस? आपके सामने ऑप्शन है महिंद्रा, TVS मोटर्स, होंडा मोटर्स, टाटा मोटर्स या फिर आपका मारुति सुजुकी। एंड इसका आंसर जो आपके सामने है दैट इज ऑप्शन डी, इट इज आपका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है वो इसका बिल्कुल आपके लिए सही जवाब है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे आपका हर साल इनमें से कौन सी तारीख को आपका सेलिब्रेट होता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज द वर्ल्ड ब्रेल डे इज बेसिकली ऑब्जर्व? फटाफट इसका आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, कब होता है? तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी, इट इज द 4th of January, 4 January को आपका वर्ल्ड ब्रेल डे जो है ये आपका दोस्तों ऑब्जर्व होता है। इट इज द डे when the world braille day is basically आपका observe। तो उसका आंसर जो आपके सामने है that is the world braille day, जिस दिन आपका ये जो है वो आपका observe होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What is the tagline of Karnataka Bank? Karnataka Bank की tagline इनमें से दोस्तों क्या है? The answer is your family bank across India। ये इसका दोस्तों जो है वो आपकी टैगलाइन है। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। आगे बढ़ते हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा इनमें से कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा इनमें से कौन से टाइप का बैंक है? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर आपका फॉरेन बैंक? तो बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों जो है इट इज बेसिकली अ पब्लिक सेक्टर बैंक। ये आपका दोस्तों जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी न्यूज में था बिकॉज इसने अभी हाल ही में एक आत्मनिर्भर वुमन लोन निकाला है। और ये जो वुमन लोन है बेसिकली इस लोन पे खासियत ये है कि यहाँ पर 0.5% डिस्काउंट, 0.5% का रिबेट नॉर्मल लोन्स पर आपको मिलता है। गाइस क्या बात है, 600 क्रॉस कर गए हम, लगता है आज हम 1000 क्रॉस कर जाएंगे। फटाफट जरा वीडियो को शेयर करो जल्दी से एवरीवन। गली गली में नारा है, कुछ सर का क्लास करना है और उससे एग्जाम निकालना है, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से RBI जो है वो लेंड करता है ओवरनाइट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तहत किस रेट पर लोन? आई अगेन रिपीट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंड लेंड्स ओवरनाइट टू बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? वेल द आंसर इज इट्स ऑप्शन ई, दैट इज MSF। ये सवाल भी आपका IPS PO में आया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो आपका कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल फ्रॉम मार्च 12 to 2021? कहां पर आपका ये होस्ट होगा? इसका आंसर है आपका केरला में। केरला में कोची वो जगह है जहां पर इसको आपका जो है वो होस्ट किया जाएगा। केरला अभी आपका न्यूज में था बिकॉज यहां पर पहला जेंडर डेटा हब आपका बना है जो कि कोझिकोड में आपका दोस्तों जो है वो यहां पर आपका बनाया गया है। यहां पर मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से लॉन्च पैड, सुनिएगा ध्यान से, इनमें से लॉन्च पैड जो है वो लॉन्च पैड स्कीम कहां लॉन्च हुई है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर अंबुपाशी फेस्टिवल आपका ऑब्जर्व होता है? तो अंबुपाशी फेस्टिवल जो है आपका वो दोस्तों ऑब्जर्व होता है इन द स्टेट ऑफ असम। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा शहर है जहां पर असम राइफल्स पब्लिक स्कूल लोकेटेड है विच हैज बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट्स स्कूल अनाउंस्ड अंडर द खेलो इंडिया स्कीम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन? सुनिएगा ध्यान से गाइस, कहां पर ये लॉन्च हुआ है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज शिलोंग। अब मेरा यहां पर आपसे क्वेश्चन है कि कौन से मिनिस्टर ने इस स्कूल को आपका लॉन्च किया है? तो उनका नाम है आपका श्री किरण रिजिजू, बिल्कुल सही। किरण रिजिजू को हाल ही में कौन सा नया पोर्टफोलियो, कौन सा नया मिनिस्ट्री दी गई है? तो इसका आंसर है आपका ही हैज बीन गिवन द आयुष मिनिस्ट्री बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ श्रीपद यसो नायक, उस वजह से ये आपका न्यूज में है। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज पास्ड द मलाला यूसुफ जई स्कॉलरशिप एक्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी वुमन इन हायर एजुकेशन? इनमें से वो कौन सा देश है जिसने की मलाला यूसुफ जई स्कॉलरशिप एक्ट जो है उसको आपका दोस्तों पास किया है? और इस एक्ट को पास करने से जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है पाकिस्तानी वुमन की उसे इंक्रीज किया गया है? इंडिया, फ्रांस, रशिया, US या फिर आपका UK? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA जो है उसको, वो जो है उसने इसको पास किया है और इस वजह से ये आपका दोस्तों न्यूज में है। एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, हाँ मैं ECGC पे ले लूंगा सर, पहले आप इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कौन से दिन आपका मलाला डे मनाया जाता है? वेल द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज द 12th of July, 12 जुलाई को आपका मलाला डे जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में $105 मिलियन का एक अग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ ताकि की जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेटर कर पाए? IMF, UNDP, NDB, AIIB या फिर आपका वर्ल्ड बैंक? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ ये अग्रीमेंट जो है वो हाल ही में आपका किया गया है। इनमें से हु इज द हेड ऑफ द 7-member कमिटी सेटअप बाय UGC टू कंसिडर द इशू ऑफ होल्डिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट अकेडमिक ईयर इन द सेल यूनिवर्सिटीज टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एडमिशन? द आंसर इज इट्स ऑप्शन, वेल द आंसर इज
वेल द आंसर इज इट्स मिस्टर आरपी तिवारी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने जीता है आपका एयर थिंग्स मास्टर्स चेस चैंपियनशिप, हु हैज वन द एयर थिंग्स मास्टर्स चेस चैंपियनशिप। तो इनका नाम है आपका तैमूर राजाबोव, इन्होंने इस चैंपियनशिप को दोस्तों जो है वो आपका हाल ही में जीता है। इनमें से किस साल वर्ल्ड बैंक आपका बना, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका आंसर है आपका 1944। आगे बढ़ते हैं, ओणम फेस्टिवल हर साल इनमें से किस राज्य में आपका सेलिब्रेट होता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, केरला या फिर आपका उड़ीसा। तो आपका जो ओणम फेस्टिवल है ये आपका हर साल केरला में सेलिब्रेट होता है। इनमें से किस स्टेट ने आपका लॉन्च किया है लॉन्च पैड स्कीम, जो कि जो आपके 18 साल से कम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये हेल्प करेगा, बेसिकली उनको ये प्रोवाइड करेगा एक एरिया जहां पर वो अपनी छोटी दुकान, चाहे कन्फेक्शनरी की हो चाहे वो कैफ़े की हो, उसको दोस्तों स्टार्ट कर सके। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ मध्य प्रदेश। क्या हो रहा है यार, हाँ बाकी गाइस जीए का मेंस का वीडियो कोर्स है वो आपका अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम एग्जाम 10, सिर्फ आपको 249 प्राइस पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसने किसान कल्याण मिशन जो है उसको लॉन्च किया है, जिससे फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल हो जाएगी, यूपी, गुजरात, बिहार, कर्नाटका या फिर आपका पंजाब। वेल द आंसर इज इट्स ऑप्शन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश ने इस योजना को आपका हाल ही में लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने इसके अलावा गाइस आपका विरासत स्कीम को भी आपका लॉन्च किया है, उस स्कीम को भी यूपी ने ही आपका दोस्तों लॉन्च किया है। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर सोमनाथ टेंपल ट्रस्ट है, जिसके नए चेयरमैन बने हैं आपके मोदी जी, पहला सवाल। सेकंड सवाल, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर आपका करबतल वेटलैंड घोषित हुआ है, दो सवाल है। पहले का आंसर है आपका गुजरात, सेकंड का आंसर आपका दोस्तों जो है दैट इज बिहार। आगे बढ़ते हैं, ट्राइफेड ने इनमें से एक MOU साइन किया है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ, ताकि वो एक ट्राई फूड पार्क आपका इनमें से किस स्टेट में सेटअप करेगा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आपका हरियाणा। तो वो दोस्तों सेटअप करेगा इस पार्क को इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में इसको वो आपका सेटअप करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने बिल्ड किया है एक 450 किलोमीटर्स का कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन, जिसको हाल ही में मोदी जी ने दोस्तों जो है वो इनॉग्रेट किया है। आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर इज इट इज गेल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आपका ये जो एक पाइपलाइन है इसको लॉन्च आपका किया है। तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी। मैं रिपीट फिर से कर दूंगा, इस दो टाइमिंग्स मेरी होती हैं, मॉर्निंग 7 AM और आफ्टरनून में 12 PM, 12 noon। 12 noon को मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस देता हूँ फॉर ऑल एग्जाम्स, और अभी ये क्लास जो है ये बैंक और RRB क्लर्क और आपका IBPS क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। IB क्लासेस मैं लूँगा आगे चल के, आप परेशान बिल्कुल ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में अनाउंस किया है अपनी एक पार्टनरशिप SIDBI के साथ फॉर रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग। सवाल बहुत ही सिंपल है, इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने MSMEs के लिए आपका एक छत पर सौर वित्त पोषण के लिए SIDBI के साथ अग्रीमेंट किया है, उस कंपनी का नाम है आपका टाटा पावर। आगे बढ़ते हैं, RBI हैज इम्पोज्ड ₹2.5 crore मॉनेटरी पेनल्टी फॉर रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट। इनमें से किस बैंक पर या किस कंपनी पर, NBFC पर, RBI ने 2.5 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज बजाज फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसे नामित किया गया है एज द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, किसे नए उप थल सेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। तो इनका नाम है आपका ऑप्शन ए, शांतनु दयाल, इनको नामित किया गया है एज द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इसका आंसर है आपके सामने ऑप्शन ए, दैट इज शांतनु दयाल, आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़े, बजाज फाइनेंस के आपके चेयरमैन इनमें से किन्हें बनाया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आपका संजीव बजाज, ये बजाज फाइनेंस के आपके दोस्तों नए चेयरमैन हैं।
सिडबी के हेडक्वार्टर्स इनमें से कहाँ पर है? सिडबी के हेडक्वार्टर्स आपके लखनऊ में है। देखो यही लेवल आएगा क्लर्क में भी और आरआरबी क्लर्क में तो और लो लेवल आएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको बार बार देखते रहो। इन द मीन टाइम गाइस मैं देख रहा हूँ 450 पीपल आर वॉचिंग और सिर्फ 140 लाइक्स हैं। फटाफट यार लाइक को 400 कर दो जल्दी से एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर विल द खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट टेक प्लेस? कहाँ पर आपका खेलो इंडिया का जो आइस हॉकी टूर्नामेंट है वो आपका होगा? तो ये टूर्नामेंट आपका दोस्तों जो है ये चिटकन या चिकतन कारगिल लद्दाख में आपका ऑब्जर्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने हाल ही में डिसाइड किया कि वो इंट्रोड्यूस करेगा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर्स को फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन दी आरटीजीएस एनईएफटी फ्रॉम अप्रैल 1। नाउ द क्वेश्चन इज कितने डिजिट्स आपके एलईआई में होते हैं? तो एलईआई में दोस्तों आपके होते हैं 20। अगेन ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले टाइम में भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो 20 डिजिट्स का क्वेश्चन है ये आपका कई बार हर एग्जामिनेशन में आपका दोस्तों आ चुका है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। विच कोऑपरेटिव बैंक हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू ट्रांजिशन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये पहले आपका एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था और अब ये पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में बना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इट इज द शिवालिक मर्केंटाइल बैंक। यहाँ पर याद रखिएगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अलाउड है कि वो एसएफबी बन जाए, उसके लिए उसे 200 करोड़ का पेड अप कैपिटल दिखाना पड़ेगा जो कि शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने आपका दिखा दिया। क्वेश्चन मेरा आपसे बनेगा, सवाल मेरा सबसे कमेंट सेक्शन में है कि कौन सा वो स्टेट है जहां पर शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के हेडक्वार्टर हैं? तो उसका आंसर है आपका यूपी। यूपी में इसके दोस्तों जो हैं वो आपके हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अपॉइंट किए गए हैं एज द हेड ऑफ द गूगल क्लाउड इन एशिया पैसिफिक? सुनिएगा ध्यान से, इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया है गूगल क्लाउड में एशिया पैसिफिक के हेड? तो इनका आंसर है आपका ऑप्शन ई, इट इज करण बाजवा। वो गूगल क्लाउड इंडिया के हेड थे और अब वो दोस्तों गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक के हेड भी जो हैं वो आपके बनाए गए हैं। इनमें से वो पहली महिला कौन है जिन्होंने ऑफिशिएट किया है मेंस टेस्ट मैच क्रिकेट में एज अ फोर्थ और रिजर्व एम्पायर? ये सवाल भी IPSPO में आ चुका है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, इट इज क्लेयर पोलोसाक। बिल्कुल सही। इंडिया ने इनमें से किस कंट्री के साथ सक्सेसफुली टेस्ट किया है मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल MRSAM को? सऊदी अरेबिया, जापान, इसराइल, USA या फिर आपका UK? वेल द आंसर इज इट्स ऑप्शन सी, दैट इज इसराइल। इसराइल के साथ उन्होंने MRSAM को सक्सेसफुली अभी हाल ही में आपका टेस्ट किया है। इनमें से लद्दाख के प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? हु इज द करेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? अनिल बैजल, राधा कृष्ण माथुर, मनोज सिन्हा, गिरीश चंद्र मुर्मू या देवेंद्र कुमार जोशी? तो इनका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इट इज राधा कृष्ण माथुर जो कि प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपके लद्दाख के। आगे बढ़ते हैं। PM मोदी जी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है दुनिया का पहला डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन, इनमें से किन स्टेशंस के बीच? न्यू रेवाड़ी हरियाणा टू न्यू मादर, देवलाली नासिक महाराष्ट्र टू दानापुर पटना बिहार, न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ राजस्थान, संगोला महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल या फिर अनंतपुर आंध्रा से आपका बेंगलुरु कर्नाटका? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के बीच आपका इसको डिलीवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किन्हें अपॉइंट किया गया है RBI का एक फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ इट्स कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स? सुनीत शर्मा, राबी नारायण मिश्रा, उमेश सिन्हा, शांतनु दयाल या फिर आपका करण बाजवा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, इट इज राबी नारायण मिश्रा। इनको आपका अपॉइंट किया गया है एज अ फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ इट्स कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन चुने गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? तो इनका नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, इट इज संजय कपूर। इनमें से गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस हैं? इनका नाम है आपका ऑप्शन डी, सुधांशु धूलिया। नाउ एक बात यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट भी न्यूज़ में था, तो मेरा सवाल है कितने साल पूरे आपके हो गए हैं गुजरात हाई कोर्ट को? तो उसका आंसर है आपके 60 ईयर्स।
आपके पूरे हो गए, उसी एनिवर्सरी पर मोदी जी उस पर्टिकुलर एनिवर्सरी पर गए थे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने अपनी बुक अनवेल की है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायंफ इन ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किसने इस बुक को अनवेल किया है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट इज रवि शास्त्री, उन्होंने इस बुक जो है उसको हाल ही में आपका अनवेल जो है उसको किया है। तो आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रवि शास्त्री। इनमें से किसने लिखी है आपकी बुक राइट अंडर आर नोज, आर गिरिधरन, सीताराम येचुरी, शशि तरूर, भालचंद्र मुंगेकर या फिर आपका आमिष त्रिपाठी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट इज आर गिरिधरन, जिन्होंने लिखी है आपकी राइट अंडर आर नोज। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, उजाला एंड SLNP स्कीम जो हैं उनको 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। सवाल मेरा आपसे है, उजाला में ए का मतलब क्या है, फटाफट बताइएगा। इन द मीन टाइम गाइज, फटाफट वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो टेलीग्राम पे। हमारा सेशन चल रहा है, बहुत ही प्यारा सेशन है, 600 लोग सेशन को देख रहे हैं और ये सेशन आप सबके लिए ही बनाया गया है। ये सेशन तभी हिट होगा जब आप इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो दबा के जरा लाइक करो फटाफट वीडियो को और फटाफट जरा वीडियो को शेयर करो गाइज। चलिए, इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ई, दैट इज अफोर्डेबल, बिल्कुल सही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से किसने इनॉग्रेट किया है एक 2-डे वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है एडुकॉन 2020, किसने दोस्तों इसको जो है वो आपका लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो आपके सामने है दैट इज श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने इसको दोस्तों जो है वो हाल ही में आपका लॉन्च किया है। इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ ताकि वो प्रोवाइड कर सके बैंकिंग सर्विसेज टू दी आर्मी पर्सनल? वेल द आंसर इज इट्स बंधन बैंक ने ये MOU जो है वो हाल ही में आपका साइन किया है विद द इंडियन आर्मी फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू दी आर्मी प्रोफेशनल्स। इनमें से वो कौन सी कंट्री है विच इज गोइंग टू चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी, लिबिया सैंक्शंस कमिटी एंड तालिबान सैंक्शंस कमिटी ऑन द UNSC? कौन इसमें उस पर्टिकुलर को चेयर करेगा? तो इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर इज इट्स ऑप्शन डी, इट इज इंडिया। इंडिया जो है वो इसको आपका हाल ही में चेयर करने वाला है। आगे बढ़ते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे आपका हर साल इनमें से कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 9th जनवरी, 10th जनवरी, 11th जनवरी, 12th जनवरी या फिर आपका 13th जनवरी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, 9th जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर मेरा आपसे सवाल है, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे जो इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस पर चीफ गेस्ट थे, उस कंट्री का नाम क्या है? उस कंट्री का दोस्तों जो नाम है दैट इज आपका सूरीनाम। क्या नाम है उसका? उसका नाम दोस्तों जो है दैट इज सूरीनाम, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन साहब ने हाल ही में लॉन्च किया है एक कोस्टल रिसर्च वेसल जिसका नाम है सागर अन्वेषिका, ये इनमें से किस पोर्ट पर उन्होंने दोस्तों लॉन्च किया है? विशाखापत्तनम, कांडला, कोलकाता, चेन्नई या फिर आपका कोचिन? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई पोर्ट पर एक वेसल है जिसका नाम है कोस्टल रिसर्च वेसल, उसको उन्होंने दोस्तों हाल ही में आपका लॉन्च किया है। इनमें से वो कौन सा देश है जिसने जीरो कार्बन एमिशन सिटी नामक आपका एक कंसेप्ट लॉन्च किया है? UK, जापान, इसराइल, USA या सऊदी अरेबिया? वेल द आंसर इज सऊदी अरेबिया ने इस कैंपेन को, इस मिशन को आपका स्टार्ट किया है। यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, UNHRC में इनमें से कौन आपका रीएडमिट होगा? Question 1। Question 2, इनमें से वो कौन सा कंट्री है जो कंट्री हेनली इंडेक्स में स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट पे आता है? Question 2। Question 3, इनमें से किनको रिप्लेस करके इंडिया जो है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आपका बन चुका है इनफैक्ट? उसका आंसर है आपका, पहले का आंसर है आपका USA, सेकेंड का आंसर है आपका जापान और थर्ड का आंसर जो आपका है दैट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो UK को रिप्लेस करके इंडिया आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अडॉप्ट किया है 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को जो प्रमोट करता है साइंटिफिक टेम्परमेंट को?
आपके सामने क्वेश्चन का आंसर देना है आपको. इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर इज, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज आई एस आर ओ. इसका आंसर जो आपके सामने है, दैट इज आपका आई एस आर ओ. आई एस आर ओ जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं. इंडिया ने हाल ही में 2,113 करोड़ रुपए का एक लोन अग्रीमेंट आपका साइन किया है, इनमें से किस कंट्री के साथ, टू सपोर्ट द कोविड 19 रिलीफ एफर्ट्स. उस कंट्री का दोस्तों इनमें से आपका नाम क्या है, तो उसका दोस्तों जो इनमें से नाम है, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री गाइज इज, इट्स ऑप्शन बी, दैट इज आपका जापान. जापान इसका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है. यहाँ पर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से वो कौन सा कंट्री है जिस कंट्री का मिसाइल सिस्टम है आपका S-400. क्वेश्चन वन. क्वेश्चन टू, इनमें से मोस्ट रिजिलियंट इकोनॉमी का खिताब इनमें से किसको मिला है, ये क्वेश्चन नंबर टू मेरा आपसे है. क्वेश्चन नंबर थ्री मेरा आपसे है कि इनमें से वो कौन सी कंट्री ने पहली कोविड वैक्सीन पब्लिक यूज के लिए आपकी एडमिनिस्टर की है. तो पहले का तो आंसर जो आपके सामने है, पहले का आंसर है आपका रशिया, सेकेंड का आंसर है जर्मनी, और थर्ड का जो आंसर है दैट इज आपका UK. चलिए आगे बढ़ते हैं. इनमें से कौन अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू चीफ ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. कौन आपके इसके नए चीफ जो हैं उसके तौर पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उनका आंसर है आपका ऑप्शन सी, इट इज सुबोध कुमार जायसवाल. वो इसका बिल्कुल यहां पर आपका सही जवाब है. दैट इज एब्सोल्युटली गाइज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. गाइज फटाफट आंसर करते रहो, आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं, और जरा फटाफट दबा के आंसर करते रहो एवरीवन गाइज, फटाफट जल्दी से. चलिए आगे बढ़ते हैं. इनमें से सुरिनाम के वो प्रेसिडेंट कौन है हु वॉज अमंग द टॉप 30 प्रवासी भारतीय सम्मान 2020 अवॉर्डीज. इनका नाम है आपका चंद्रिका प्रसाद संतोखी. आगे बढ़ते हैं. हु इनॉग्रेटेड द 26th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. इनमें से किन्होंने आपका इनॉग्रेट किया 26वां कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इट इज ममता बैनर्जी. उन्होंने इसको दोस्तों जो है वो हाल ही में आपका इनॉग्रेट किया. आगे बढ़े. नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे हर साल इनमें से किस दिन आपका मनाया जाता है. हर साल आपका जो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे है ये आपका मनाया जाता है ऑन द 11th of January. 11 जनवरी को इसको हर साल जो है हम नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं. आगे बढ़ते हैं. इनमें से नीति आयोग के आपके CEO कौन हैं. Who is the CEO of the Niti Aayog? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज अमिताभ कांत. ये आपके नीति आयोग जो हैं उसके ये आपके CEO बनाए गए हैं. इनमें से कौन अपॉइंट हुए हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ अ 10-member empowered committee फॉर COVID-19 एडमिनिस्ट्रेशन. कौन है जो आपके 10-member empowered committee जो हैं उसके आपके चेयरपर्सन बनाए गए हैं, तो इनका नाम है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मिस्टर RS शर्मा. वो आपके बनाए गए हैं, वो अपॉइंट हुए हैं आपके एज द चेयरपर्सन ऑफ द COVID-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन. आगे बढ़ते हैं. इनमें से मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है, जो आपका कोस्ट डिफेंस एक्सरसाइज जो है उसका सेकेंड एडिशन इनमें से किस जगह आपका स्टार्ट हुआ, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, सी विजिल नाम है इसका, और ये 12 जनवरी को दोस्तों जो है वो आपका हाल ही में स्टार्ट किया गया. आगे बढ़ते हैं. इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है आपका द लिस्ट ऑफ बीइंग द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट फॉर 2021 अकॉर्डिंग टू द हेनली इंडेक्स. तो इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, दैट इज आपका जापान. यहां पर दो तीन चीजें आपको ध्यान देनी है जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी. पहली चीज आपको ध्यान देनी है कि यहां पर आपका अगर बात करें तो जापान तो यहां पर है, और वैसे जर्मनी होगा अगर हम बात करेंगे आर्टन कैपिटल की, आर्टन कैपिटल के हिसाब से जर्मनी है. सिमिलरली सिंगापुर जो है वो इस रैंकिंग में आपका सेकेंड रैंक पे है, ठीक है. और इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक दोस्तों जो इसमें है वो इंडिया की रैंक आपकी है 85, तो वो रैंक भी आपको यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज़ आपको याद रखनी पड़ेगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. पद्मश्री अवॉर्डी तुलरापति कुटुंबा राव का देहांत हुआ है, ये इनमें से क्या थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, माउंटेनियर थे, एस्ट्रोनॉट थे, जर्नलिस्ट थे, या फिर आपके एक फैशन डिजाइनर थे. तो आपके जो पद्मश्री अवॉर्डी हैं तुलरापति कुटुंबा राव, ये दोस्तों आपके एक जर्नलिस्ट थे, और हाल ही में इनका जो है वो देहांत हुआ है. इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो 8th स्टेट बना है टू कंप्लीट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स.
कौन सा वो आपका स्टेट है? स्टेट का नाम है आपका ऑप्शन डी, दैट इज केरला। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इंडिया का पहला काऊ डंग बेस्ड पेंट, जिसका नाम है आपका खादी प्राकृतिक पेंट, इसको लॉन्च किया है। सवाल मेरा आपसे है कि ये केवीआईसी के हेडक्वार्टर्स इनमें से कहां पर हैं? पोरबंदर, मुंबई, लेह, वडोदरा या फिर आपका शिमला? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मुंबई। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा देश है जिसने होस्ट किया है आपका द फोर्थ वन प्लैनेट समिट इन कोऑपरेशन विद द यूएन एंड द वर्ल्ड बैंक? वेल द आंसर इज इट्स ऑप्शन सी, दैट इज आपका फ्रांस। फ्रांस को इन्होंने दोस्तों जो है वो आपका होस्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। सदिर जापरोव को अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? वेल सदिर जापरोव को अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस को हाल ही में आरबीआई ने आपका कैंसिल किया है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक गाइस? तो उसका जो आंसर आपके सामने है, द आंसर इज इट्स ऑप्शन ए, इट इज वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। उसका लाइसेंस जो है वो हाल ही में आपका कैंसिल किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, दैट इज एब्सोल्युटली गाइज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हाल ही में कायाकल्प अवार्ड तीसरी बार आपका अवार्ड किया गया है? एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल या फिर आपका एम्स गुवाहाटी? वेल द आंसर इज इट्स ऑप्शन बी, दैट इज एम्स भुवनेश्वर। इनको ये अवार्ड जो है कायाकल्प अवार्ड ये आपका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। With which of the following country India has signed an MOU for scientific and technical cooperation? Well, the answer is it's option C, it is the UAE, जिसके साथ इंडिया ने आपका एक MOU साइन किया है for scientific and technical cooperation। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अपॉइंट किए गए हैं एज द हेड ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग फॉर्म्ड बाय द RBI? तो इनमें से अपॉइंट किए गए हैं आपके श्री जयंत कुमार दास as the head of the working group of digital lending formed by the RBI. तो इसका आंसर जो आपके सामने है, that is option E. Guys, 518 people are watching and only 191 likes. बड़ी नाइंसाफी है। अगर शो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और शो को लगातार देखो और शो को पूरा देखो। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है टू प्रोक्योर हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स फ्रॉम आइडिया फॉर्ज फॉर हाउ मच अमाउंट? कितने अमाउंट का आपका अग्रीमेंट हुआ है इंडियन आर्मी का टू प्रोक्योर हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स? वेल द आंसर इज इट्स ऑप्शन बी, दैट इज $20 million, $20 million का आपका ये अग्रीमेंट जो है वो हाल ही में आपका किया गया है और ये अग्रीमेंट इंडियन आर्मी ने आइडिया फॉर्ज के साथ आपका किया है। नट पूजा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांसेज ऑफ इंडिया, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वेल द आंसर इज इट्स ऑप्शन डी, इट इज असम। असम स्टेट से ये दोस्तों आपका जो है वो बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसका पहला फायर पार्क आपका इनॉग्रेट हुआ? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर आपका कर्नाटका? वेल द आंसर इज इट्स ऑप्शन सी, इट इज आपका उड़ीसा। उड़ीसा इज एब्सोल्युटली गाइज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जिसका आंसर है आपके सामने, दैट इज ऑप्शन सी, इट इज आपका उड़ीसा। यहां पर मेरा सेकेंड सवाल आपसे है, इनमें से किस कंट्री किस स्टेट के WE हब ने हाल ही में अग्रीमेंट किया है आई हब से ऑफ गुजरात? किसने अग्रीमेंट किया है ये? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज आपका तेलंगाना। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही में अनाउंस किया है दे विल बी नो फॉरेन गेस्ट एट द रिपब्लिक डे। क्वेश्चन मेरा आपसे है, वर्तमान में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी इनमें से कौन है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, राजीव गौबा, हर्षवर्धन श्रृंगला, अजय कुमार भल्ला, टीवी सोमनाथन या फिर आपका तरुण बजाज? तो इसका आंसर जो आपके सामने है, द आंसर इज इट्स ऑप्शन बी, दैट इज आपका हर्षवर्धन श्रृंगला। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं। 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है वो आपका इनमें से कहाँ पर होगा, जहाँ पर 5 क्लासिक्स को एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा, इनमें से किस पर्सन को? पहले ट्रिब्यूट आपका दोस्तों जो है दिया जाएगा टू मिस्टर सत्यजीत रे। ये ट्रिब्यूट आपका यहाँ पर भी दिया जाएगा और आपका जो फॉर एग्जांपल जो ढाका फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पर भी यही सहयोग आपका जो है वो दिया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं. Which company is the world's most valuable company according to the 2020 Hurun Global Finance List? तो इनमें से जो valuable company है उसका नाम है आपका option A, that is Apple. Apple आपकी सबसे valuable company है according to the 2020 Hurun Global 500 List. आगे बढ़ते हैं. इनमें से कौन Intel के नए CEO आपके बनाए गए हैं? Bob Swan, Thierry Delaporte, Jack Dorsey, Pat Gelsinger या Eric Horowitz? Well, the answer is option D, that is Pat Gelsinger जो हैं वो आपके बनाए गए हैं the new CEO of Intel. आगे बढ़ते हैं. Indian Army Day आपका हर साल इनमें से कब सेलिब्रेट होता है? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर आपका 17 जनवरी? Well, the answer is it's option C, 15 जनवरी को हर साल आपका जो इंडियन आर्मी डे है उसको हम सेलिब्रेट दोस्तों करते हैं. इंडियन आर्म फोर्सेस सेलिब्रेटेड द 5th वेटरन्स डे ऑन 14 जनवरी. द क्वेश्चन इज कि भारत के कौन से, भारत के पहले कमांडर इन चीफ जो हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, वो इस दिन आपके रिटायर हुए थे. क्वेश्चन ये है कि उनका नाम क्या था? उनका दोस्तों आपका नाम था श्री के एम करियप्पा. क्या नाम था उनका? उनका नाम था आपका श्री के एम करियप्पा. दैट वॉज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले का इस ग्रेड बी की टेस्ट सीरीज है, इसको अवेल कर लीजिएगा. और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. आई होप आपने क्वेश्चंस को आंसर कर दिया होगा. बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को टेलीग्राम पे जितना चाहे उतना शेयर करें, बिकॉज हम आपके लेकर आए हैं 10 दिन की 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस. आरआरबी क्लर्क में इससे पहले क्लास खत्म हो जाएगी, तो प्लीज सबको बुला लीजिए. दिस इज द मोस्ट वॉच्ड लाइव सेशन ऑफ आरबी क्लर्क. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको दबा के शेयर करते रहें और कल वापस आएं. कल इसका डे 3 होगा और लाइक जरूर करें वीडियो को, बिकॉज लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय बाय गाइस एंड टेक केयर एवरीवन, एंड आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. कल 12 बजे ही आपका सेशन जो है वो लगातार कंटिन्यू होगा. हाँ बिल्कुल सही. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. आई विल मीट यू अगेन नाउ टुमारो. टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.